छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने की मांग को लेकर दुर्ग में मंथन हॉल में एक दिवसीय आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के जिला दुर्ग के बैनर तले रविवार को दुर्ग के संभाग कार्यालय में मंथन हॉल में एक दिवसीय आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के सभी व्यायाम शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर बैठक में हुई चर्चा पर जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र पटेल ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में स्वास्थ्य और पूर्ण जीवन को बनाए रखना एक चिंतनीय विषय बन चुका है। स्वास्थ्य संकट की गंभीरता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी तात्पर्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर बल देती है। अतः यही उपयुक्त तो समय है शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब एक अनिवार्य सैद्धांतिक विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थियों को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन का विकल्प प्रदान किया जाए। सागर में क्या इस गाथा गाऊं, पावन तेरे पद पंकज पर सादर शीश झुकाऊं, सादर शीश झुकाऊं। मास नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। शिक्षा जगत में अनेक जन बन चुके हैं, अपना अपना संघ, अपने अपने पद प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक और प्रशासनिक कार्य कर रही है। शासकीय हमारा जो संघ है शुरू से बना, लेकिन आज तक हम लोग आर्थिक और प्रशासनिक का कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन लाभ लेने का अवसर आ गया है, लाभ लेने का अवसर आ गया है। और अवसर में 90% काम हो चुका है, हमें बस 10% और काम करना है। लेकिन ये 10% कब काम करेंगे, जब हमारे संगठन में शक्ति होगी, संगठन में संख्या बल होगी, क्योंकि इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने की मांग पर बल दिया गया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा संघ के द्वारा एक ही मांग है, महत्वपूर्ण मांग, शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे व्यायाम शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता जो है वह खुल सके। क्योंकि आज तक हमारे लिए पदोन्नति का कोई भी पद आगे नहीं बनाया गया है, और शारीरिक शिक्षा यदि आ जाता है तो आने वाले समय में व्यायाम शिक्षकों का पदोन्नति का रास्ता भी खुलेगा, और स्कूलों में सभी क्लास के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो लागू हो जाएगी, उनके प्रैक्टिकल्स होंगे, उनके कैरिकुलम्स के तहत काम होंगे, और हमारा जो ग्रास रूट है वो आगे बढ़ते चले जाएगा और स्पोर्ट डेवलपमेंट होगा। इसी को ध्यान में रख के ही शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसके लिए रायपुर में वृहद रूप में महासम्मेलन पहली बार व्यायाम शिक्षा संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से समय लेकर के उनके मुख्य अतिथि के रूप में उनको शामिल किया जाएगा, और हमारे प्रदेश के संरक्षक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी उसमें उपस्थिति देंगे अपनी। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ दुर्ग जिले इकाई की बैठक रखी गई है। हमारी प्रदेश पदाधिकारी प्रांतीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष श्री जयंत वर्मा जी उपस्थित हैं, और हमारी पूरी ध्रुव जिला की टीम इकट्ठी है, और हमारे ध्रुव पाटन और धमधा विकास खंड के हमारे कर्मयोद्धा व्यायाम शिक्षक उपस्थित है। हमारी जो मांग है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने तथा वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए व्यायाम शिक्षक को पदोन्नति प्रदान करने का हमारी दो मांग रखी है, और हम लोग आने वाले समय में, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, आदरणीय शिक्षा मंत्री खेल मंत्री और हमारे आदरणीय विजय बघेल जी की अध्यक्षता में सांसद दुर्ग लोकसभा के एक वृहद कार्यक्रम रायपुर में किया जा रहा है, अभी दिनांक तय नहीं हुआ है, उसमें हम लोग महासम्मेलन में
पूरे व्यायाम शिक्षक 100% उपस्थित देंगे पूरा, और हमारी मांग को वहाँ रखेंगे। और यह मांग अगर पूरा होती है तो बच्चों को आजकल खेल के प्रति जुड़ाव कम हो रहा है, क्योंकि मोबाइल की वजह से। अगर ये स्कूल पाठ्यक्रम में आ गया तो बच्चे को निरंतर व्यायाम खेल आदि में उनकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य की एक चिंतनीय विषय बन चुका है। स्वास्थ्य संकट की गंभीरता निरंतर बढ़ती जा रही है। इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 स्वास्थ्य जीवन के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर बल देती है। अतः यह उपयुक्त हमारा समय है कि शारीरिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में अविलंब एक अनिवार्य सैद्धांतिक विषय के रूप में लागू करने तथा विद्यार्थी को अन्य विषय की तरह शारीरिक शिक्षा विषय चयन कर विकल्प चुन लेंगे। इससे बच्चों को बहुत फायदा भी होगा। इसी मांग के लिए हम वहाँ महासम्मेलन में जा रहे हैं, पूरी टीम है। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।